वेलकम बैक टू टीआरएसटी न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। खबर गोंडा से है, नहीं रहा सफल यूसी अंडरपास। खबर गोंडा जिले के नवाबगंज ब्लॉक की है। हम बात कर रहे हैं टीकरी सुदामापुर मार्ग की। ये कोई मामूली मार्ग नहीं है, यह मार्ग कई ग्राम सभाओं को जोड़ता है तथा यहां से बस्ती जिले में प्रवेश करने के लिए सबसे नजदीकी मार्ग माना जाता है। यहां पर जो अंडरपास बना है, जब से वो बना है तब से ही वह असफल रहा है। लोगों का मानना है कि सरकार ने इसमें बेवजह पैसे खर्च किए और इसकी वजह से आवागमन भी काफी समय से बाधित है। लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर यहां से आवागमन कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं पीआरएसडी न्यूज के माध्यम से अभिषेक सिंह के साथ। आज हम आए हुए हैं, ये टिकरी चौराहा है, पड़ता है टिकरी मेन रोड है टिकरी। ये अंडरपास बना हुआ है जो कि काफी समय से लग रहा है कि क्षतिग्रस्त है और पानी भरा हुआ है। एक मिनट भैया, आप भी रुक जाओ। आप यहाँ से यहीं से लेके जाते हैं लोगों को बिठा के? क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत सही है। उस पार से कैसे आते हैं फिर? लेन पार होके आते हैं। ये रिक्शा उधर तो नहीं जाता था? नहीं। अच्छा, आप लोगों को दिक्कत आती है फिर उधर से? तो बहुत दिक्कत आती है। कब से ये दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिन से, कम से कम जब से बना तब से। तब और क्या, मतलब फायदा बनवाए से जब इसमें वैसे आग ना मिले। अच्छा, जब से बना तब से कोई फायदा नहीं हुआ और पानी भर जा रहा? डूब गए। कई लोग चार हाँ, और डूब गए, मरे नहीं लेकिन मतलब डूब गए, मतलब मरने की स्थिति में थे, सीज हो गए, मर जाते ये समझ लीजिए। कई गाड़ियों के इंजन भी सीज हो गए हैं और यहाँ पे काफी दिक्कतें आई हैं। और अभी लोगों का आना जाना कैसे हो रहा है, किधर से आते हैं? अच्छा, वहाँ पे कोई बैरिकेडिंग वगैरह नहीं है वहाँ पे? तो काफी तो रिस्क है वहाँ पे, कभी भी ट्रेन आ जा सकती है। बहुत रिस्क है। अच्छा, उधर से आ रहे हैं, काफी लोग हैं, रिस्क ले रहे हैं। आइए देखते हैं, आप भी उधर जा रहे हैं? आप उधर जा रहे हैं, कैसे जाएंगे भैया इधर से, कैसे जाएंगे? अभी रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भैया, अभी नीचे से तो जा नहीं सकते, नीचे तो पानी भी भरा हुआ है, बहुत पानी भरा हुआ है, रास्ता बंद है। कैसे जाएंगे फिर आप भैया? बहुत ड्रामेबाजी करना पड़ेगा, इधर से तनगाएंगे, इधर साइड से रास्ता है। अच्छा, साइड से रास्ता है, फिर रेलवे क्रॉस करनी पड़ेगी, पटरी क्रॉस करनी पड़ेगी, बाइक उठा के उस पार करने में अचानक से अगर कहीं पटरी फंस जाए तो काफी रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं ये लोग। काफी समय से समस्या है यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं देता है। पाँच छह महीने से यहाँ पे काम भी चल रहा है, किस स्तर से काम चल रहा है? अच्छा, यहाँ के जो क्षेत्रीय अधिकारी या किसी से, जो आपके यहाँ के नेता विधायक मंत्री हैं, इनसे कभी इस चीज के बारे में आपने चर्चा चला ही नहीं? चलाई चर्चा बहुत हो चुकी है, बस हो जाएगा, होना है, हो जाएगा। तो ऐसे तो चुनाव का माहौल भी आ रहा है, चुनाव भी आने वाला है, आपके क्षेत्रीय जो विधायक हैं, शायद यहाँ के मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री है ना, क्या नाम है उनका, जानते हैं उनको? रमा प्रसाद जी। तो क्या उनसे इस बारे में उन्होंने आपने चर्चा की कि अभी विधायकी का चुनाव भी आ रहा है? उनसे नहीं, लेकिन लोग गए हैं बताएं, सब जान रहे हैं, गए हैं, जान रहे हैं। बड़े भाई से हमसे बात करिए थोड़ा। वहाँ चलेंगे वहाँ बात करेंगे। आइए चलिए थोड़ा कम्प्लीट करते हैं। भारी मात्रा में लोगों का आना जाना इधर से होता है, कई गाँव इधर से जुड़े हुए हैं, मुख्य रास्ता था ये गाँव का, कई गाँव इधर से जुड़े हुए हैं। इधर दुर्जनपुर पड़ता है, गौरा चौकी के लिए भी ये रास्ता है, बस्ती तक जाने के लिए ये भी रास्ता है। और रास्ते की ये कंडीशन है कि नीचे पूरा जल भराव हो रखा है, जो अंडरपास बना है, जिस भी इंजीनियर साहब ने ये प्लान बनाया होगा, जरा सा भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे अगर जल भराव होगा तो यहाँ पे किस स्तर से समस्याएं आएंगी। लोग मौत से खेल रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, बच्चे भी स्कूल से जो आ जा रहे हैं वो भी इधर से आना जाना हो रहा है, बड़े बुजुर्ग भी जो भी आ जा रहे हैं देख रहे हैं कितना सामना करना पड़ा है। अच्छा, आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, कब से ये समस्याएं आ रही हैं? जब से पुल बना। इससे पहले क्या, जो इससे पहले ठीक था, गुमटी ऊपर से आना जाना था। अच्छा, ऊपर से आना जाना था, उस टाइम पे गुमटी बनी हुई थी। अच्छा, गुमटी बनी हुई थी, उसको हटा दिया गया? किस स्तर से यहाँ पे जाम लगा हुआ, किस तरीके से लोग आना जाना है, कैसे बाइक उठा के लेके जाना पड़ता है, देख सकते हैं। हाँ जी, सुनिए, इतना समस्या का सामना करना पड़ा है। भारी गाड़ियाँ अगर कोई है तो शायद यहाँ से क्रॉस भी ना कर पाए, अगर फोर व्हीलर आती तो फिर फोर व्हीलर आती तो इधर से किधर से लेके जाते हैं यहाँ के लोग? फोर व्हीलर तो होगी भाई, गांव तो बड़े बड़े हैं यहाँ पे, फोर व्हीलर है, कुछ लोग पानी में कुदा देते हैं। अच्छा, पानी में कुदा देते हैं, इससे तमाम गाड़ियाँ सीज हो गई हैं। अच्छा, सीज भी हो गई जी हाँ। अन्यथा अगर कहीं से अलग से जाना होता तो कितने किलोमीटर से जाना पड़ता है? यहाँ से 3 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे जाके फिर घूम के आना पड़ता है, करीब काफी टाइम लगता होगा। और भी लोग हैं,
काफी लोग हैं, सब लोग रिस्क लेके, अभी कभी भी ट्रेन आ सकती है। ट्रेन ट्रेन की टाइमिंग का कोई पता नहीं है यहाँ के लोगों को। जैसे गुमटी होती तो एक अलार्म लगा होता है और कहीं ना कहीं आप लोग सतर्क रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए बाइक किस तरीके से फंस जा रही है, फिर भी ये लोग उस तरीके से कर रहे हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे मिलते हैं। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।